आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी क्रीम के बारे में जानकारी देने आया हूँ जो बहुत ही कॉमन है, इसको हर कोई जानता है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार में ज़रूर ही कोई इसका इस्तेमाल करता होगा। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आप लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि कौन सी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि कौन से बीमारियों में किस प्रकार की जांच करानी है, जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो देर न करते हुए, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोग तक आसानी से पहुँच सकती है। तो दोस्तों, आज मैं जिस क्रीम के बारे में, जिस ऑइंटमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है वेटनुवेट। अब आप जरूर इसके नाम से सुन के जान गए होंगे, इसके बारे में तो हमने सुन रखा है और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वेटनुवेट का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो वेटनुवेट क्रीम है, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि इसके लंबे समय से यूज करने पे आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे किस प्रकार के दुष्परिणाम आ सकते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये जो वेटनुवेट क्रीम आती है, इसके कई सारे ब्रांड और आते हैं, जैसे कि वेटनुवेट एन आता है जिसके अंदर नियोमाइसिन होती है, वेटनुवेट सी होता है और वेटनुवेट जीएम आता है। ये तीन प्रकार के आप लोगों को वेटनुवेट के आपके ब्रांड मिलेंगे। अलग अलग टाइप की ये क्रीम होती है, कोई एंटीसेप्टिक होती है, कोई एंटीफंगल होता है, कोई एंटीबैक्टीरियल होता है, इस प्रकार की एक क्रीम आती है। लेकिन इसका जो मेन सॉल्ट होता है वो होता है एक स्टेरॉइड। ये जो स्टेरॉइड होता है वो एक कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, जिसका नाम है बेटामेथासोन वेलरेट। ये जो बेटामेथासोन वेलरेट होता है वो क्या होता है, ये एक हाई पोटेंसी का स्टेरॉइड होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का इंडिकेशन होता है, जैसे कि आपके स्किन पे फुंसियाँ आ गई, कुछ झाइयाँ आ गया, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको तुरंत राहत मिल जाता है। तुरंत राहत मिलने का ये कारण होता है कि ये जो स्टेरॉइड होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो जैसे ही जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, तो जो भी आप लोगों को इन्फ्लामेशन होती है या जो भी आपको इंडिकेशन आती है, उसका ये तुरंत आपको आराम देता है, तुरंत रिजल्ट दे देता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस क्रीम के अंदर कोई ना कोई स्टेरॉइड ज़रूर मिला है। ये काफ़ी पुरानी क्रीम है और इसके अंदर जो एक इन्फ्लामेटरी जो एजेंट होते हैं, जो एक इफेक्ट शो करता है, उसके कारण क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर या आपके चमड़ी के ऊपर किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन होता है और आप अगर इस क्रीम को अप्लाई करते हैं, तो आपको तुरंत राहत ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है जब हम इस क्रीम को छोड़ते हैं, तो आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे क्या क्या दुष्परिणाम होता है, इसके बारे में मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अभी तुरंत ध्यान से देखें, जिससे कि आप लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। तो ये जो वेटनुवेट क्रीम है, जब तक हम इसको लगाते हैं तब तक तो ये इफ़ेक्ट शो करता है, हमारे प्रॉब्लम को कम करता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हम इसको छोड़ देते हैं, तो वही परेशानी, जो पुरानी परेशानी के कारण हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे थे, वही परेशानी वापस से उभरने लगती है, वही परेशानी बार बार आने लगती है। इसे हम डिपेंडेंसी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप इस क्रीम के प्रति, इस स्टेरॉइड के प्रति आप डिपेंडेंट हो चुके हो, जिसके कारण अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करते हो तो आपकी स्किन स्वस्थ रहती है, और अगर इसका आप छोड़ देते हो तो आपको दुष्परिणाम आने चालू हो जाता है। और इसको लगातार लगाए रखने से भी आपके चेहरे पर काफ़ी दुष्परिणाम आ सकते हैं। कभी कभी तो आप वेटनुवेट क्रीम का अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी स्टेरॉइड क्रीम का अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, आपके स्किन को इसके प्रति टॉलरेंस आ जाता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप इसको कितना भी लगा लो, लेकिन ये आपको इफेक्ट शो नहीं करता है, तो आप इसको ज़्यादा लगा भी नहीं सकते और इसको छोड़ भी नहीं सकते। ये जो वेटनुवेट क्रीम है, जिसके अंदर आपको बेटामेथासोन वेलरेट का कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, वह क्या करता है कि लंबे समय तक अगर आप इसका यूज़ करते हैं, तो आपके स्किन पे सेंसिटिविटी पैदा करता है। इसका यह मतलब होता है कि अगर आप ज़रा सा भी धूप में निकलते हैं, तो आपके चेहरा लाल हो जाता है, आपके चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, रैशेस आने लगते हैं, इस प्रकार की आपके स्किन को ये सेंसिटिव बना देता है। तो आपके स्किन पे बर्निंग जैसा सेंसेशन होने लगता है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो लगातार लगाने से एक सिम्टम्स और आता है, आपके चेहरे पे
अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होने लगती है, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती जब आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। जो अनवांटेड हेयर की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लगभग 90% तक आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो वापस कम हो जाती है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर आपको एक्ने फॉर्म का इरप्शन हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर एक फुंसी नुमा आपको एक्ने दिखाई देने लगता है। इसीलिए आपको इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह पे नहीं करना चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए कहेगा तो साथ में एक अल्टरनेट क्रीम आप लोगों को ज़रूर देगा, या तो वो सनस्क्रीन दे सकता है या किसी प्रकार का और क्रीम देगा, जिससे कि ये जो आपकी जो इम्यून सप्रेसर का काम करती है ये क्रीम, उसका इफेक्ट को कम किया जा सके। और डॉक्टर आप लोगों को ये भी देखेगा कि जिस वजह से या जिस इन्फेक्शन की वजह से आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कितने देर तक लगाना है, कितने दिनों तक लगाना है। लगभग वेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल आपको 7 से 14 दिन तक ही करना होता है। इस बाद जो आपका सिम्टम्स है जिस वजह से आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ज़रूर मिलना चाहिए। आपका डॉक्टर आप लोगों को इस क्रीम के बारे में अच्छी सलाह देगा कि इस क्रीम के साथ साथ आपको कौन सी और क्रीम अल्टरनेट पर चलानी है, ताकि आपके चेहरे को कम नुकसान पहुँचे और आपकी स्किन को कम नुकसान पहुँचे। आजकल वेटनोवेट के बारे में एक मिथ और फैला हुआ है कि इसको सब लोग फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल करते हैं। फेयरनेस क्रीम नहीं है, इसके अंदर एक स्टेरॉयड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आपकी स्किन जो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप गोरे हो रहे हैं। अगर आप इस क्रीम के इस्तेमाल करने के बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो जो आपके आसपास के लोग हैं आप लोग उनको ताज्जुब होता है और वो आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी अच्छी दिख रही है। लेकिन आपकी गलती यहीं से चालू होती है। आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं तो वही आदमी जो आपकी तारीफ़ कर रहा होता है वही आपको कुछ महीनों बाद ये कहेगा कि आपका चेहरा कैसा हो गया है, आपके चेहरे पे ये फुंसियाँ, ये झाइयाँ, ये किस प्रकार के लक्षण ऐसे उभर आए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। राइट क्रीम के लंबे इस्तेमाल करने से आपके जो स्किन होती है वो फट भी जाती है, वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन होती है और जो इलास्टिक टिश्यू होती है उसको ये सप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके चेहरे में झुर्रियाँ पैदा होने लगती हैं और आप अपने एज से 10 साल बड़े दिखते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस वेटनोवेट क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। यह कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो इसको आपको 7 से 10 दिनों तक इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद भी अगर आपका जो सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर कम नहीं होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो आपको घातक परिणाम देखने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो वेटनोविट क्रीम है या इस प्रकार की कोई भी अगर स्टेरॉयड क्रीम है उसका इस्तेमाल हमको लंबे समय तक नहीं करना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन करते हो या बिना डॉक्टर के एडवाइस के करते हो तो इसके गंभीर परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी चेहरा जो है जिसकी वजह से आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो, गोरे होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बदले आपके चेहरे काली हो जाएगी, आपके रेडनेस आ जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगे, कई सारे और ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, आप लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे कि मैंने वेटनोवेट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को नहीं पता था, आप गलतियां कर रहे थे इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण, तो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वेटनोवेट क्रीम के बारे में समझ में आ गया हो, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो जानने वाले फ्रेंड सर्कल में वो भी इसका इस्तेमाल हो सकता है काफ़ी लंबे समय तक कर रहे हों, जिसका उनको घातक परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करिए, और अगर किसी और प्रकार का आप लोगों को मेडिसिन का रिव्यू चाहिए या किसी बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप कमेंट करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को उस विषय के संबंधित ऐसा वीडियो दे सकूँ जो आप लोगों के लिए जानकारी के लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यो हेल्दी रहो हेल्दी, जय हिंद।